हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो लेक्चर का प्रीवियस पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक, सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, मल्टीपल एसेस टेक्निक्स क्या होती हैं? मल्टीपल एसेस टेक्निक्स आर यूज्ड टू अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स टू शेयर द एलोकेटेड स्पेक्ट्रम इन द मोस्ट इफिशियंट मैनर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि इसको ऐसे समझिए, एग्जांपल के थ्रू, कि सपोज मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, एंड आई एम द सिंगल यूजर फॉर दैट टू यूज दैट नेटवर्क। ओके, सपोज मेरा कोई छोटा भाई आता है एंड वो भी इंटरनेट को यूज करना चाहता है, तो क्या होगा कि अभी तो मेरे पास मैं सिंगल यूजर हूँ उस नेटवर्क को यूज करने के लिए, ठीक है, बट अभी मेरे भाई को भी यूज करना है, तो क्या होगा स्टूडेंट कि या तो मैं अपने भाई के लिए एक पूरा इंटरनेट का सेटअप उसके लिए भी अरेंज करूँ, जो कि बहुत ही टाइम टेकन एंड कॉस्टली हो जाएगा मेरे लिए, या तो मैं कोई ऐसी टेक्निक यूज करूँ कि उसी सिंगल चैनल में या उसी सिंगल नेटवर्क पर हम दोनों भाई इंटरनेट यूज कर सकें। ओके, सो इसी टेक्निक को कहते हैं मल्टीपल एसेस टेक्निक्स। ठीक है, कि हम दोनों क्या करेंगे, उसी सिंगल चैनल पर हम दोनों, मैं भी इंटरनेट को यूज करूंगा एंड डेटा कम्युनिकेशन करूंगा, एंड मेरा भाई भी डेटा कम्युनिकेशन यूज करेगा। सो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एसेस टेक्निक्स। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं मल्टीपल एसेस, एंड जिस टेक्निक के थ्रू, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, सो जिस टेक्निक के थ्रू हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एसेस टेक्निक्स। ठीक है, सो सी, अब ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि एज द स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड। ओके, बिकॉज एज द स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड। स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत लिमिटेड है, एंड यू नो फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर वेरी कॉस्टली। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू शेयर द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। ओके, विद इन द सेम चैनल, एंड दिस मस्ट बी डन इन अ वे सच दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस डज नॉट डिग्रेड विद इन द एग्जिस्टिंग यूजर्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये प्रोसेस फॉलो करने पर हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है QoS, उसमें कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है कि हमारा हम मल्टीपल एसेस टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा क्वालिटी है उसमें कोई भी लॉस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एसेस, कई सारी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम ये मल्टीपल एसेस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो इन वायरलेस कम्युनिकेशन इन योर सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी थ्री बेसिक, दीज आर द बेसिक मल्टीपल एसेस टेक्निक्स, सो यू हैव टू स्टडी ओनली दीज थ्री मल्टीपल एसेस टेक्निक, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाई वन ऑल दी मल्टीपल एसेस टेक्निक्स। ओके, सो स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली, इट इज वेरी, यू डोंट हैव टू गो इन डीप विद दिस मल्टीपल एसेस टेक्निक्स। ओके, आपको जस्ट इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी आपको चाहिए, ठीक है, बट
इस वीडियो लेक्चर में आपको इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दूंगा। एंड अगर इसके बारे में, चूंकि ये मल्टीपल एसेस टेक्निक्स बहुत ही इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो लेक्चर्स में इंडिविजुअली इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके ओके, सो फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, सी सपोज स्टूडेंट हमारे पास 100 हर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज हमारे पास 0 to 90 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसको कोई सिंगल यूजर यूज कर रहा था। अभी यहाँ पर 3 यूजर हो गए हैं, तो हमने क्या किया कि इसी बैंड को, ये जो हमारे पास 0 to 90 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड, इसी को हमने 3 अलग अलग यूजर्स में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कैसे डिवाइड किया, जैसे हमने एक यूजर को दिया, उसी में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक यूजर को हमने दिया 0 to 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट कर दिया। दूसरे यूजर को हमने 30 to 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट किया। तीसरे यूजर को हमने 70 to 90 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट कर दिया। यानी हमने सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को 3 अलग अलग यूजर्स में अलग अलग एलोकेट कर दिया। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट कि अब उन यूजर्स के पास अपने सेपरेट चैनल हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन। बट इसका ड्रॉबैक क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अभी तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बैंड था उसकी बैंडविड्थ कितनी थी, 90 हर्ट्ज। बट अभी क्या हुआ, अभी बैंडविड्थ सबकी यूजर्स की रिड्यूस हो गई। तो इस बैंडविड्थ रिड्यूस होने से क्या होगा, हमारा जो डेटा रेट होगा वो लो हो जाएगा, यानी हमारे डेटा हमारा डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। और देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन देम। ओके, जब हमने इन यूजर्स को सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में जब हमने फ्रीक्वेंसी चैनल्स को डिवाइड कर दिया, तो इसमें इन तीनों यूजर्स के सिग्नल्स में इंटरफेरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट किया वो देखिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी 0 to 20 हर्ट्स है, फिर 20 to 30 के बीच में गैपिंग है, फिर 30 to 60 है, फिर 60 से 70 के बीच में 10 हर्ट्ज की गैपिंग है। यानी यहाँ पर जो ये 10 हर्ट्ज की गैपिंग है, ये क्या है, ये गार्ड्स बैंड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये गार्ड बैंड होते हैं। गार्ड बैंड हमारे चैनल्स के बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा कोई भी जैसे हमारा चैनल ए है फॉर यूजर वन, दिस चैनल, इसके सिग्नल हमारे चैनल यूजर बी के डेटा ट्रांसमिशन से इंटरफेयर न करें, ठीक है। तो हम बीच में क्या करते हैं, एक गार्ड बैंड यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये गार्ड बैंड नहीं होगा अवेलेबल, तो क्या होगा, जो यूजर बी डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है और यूजर ए डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है, तो ये आपस में डेटा क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरफेयर करने लगेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी डेटा की क्वालिटी, या हो सकता है हमारा डेटा लॉस हो जाए, हमारे डेटा की नेचर चेंज हो जाए, ठीक है, या हमारे डेटा ही कुछ करप्ट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर गार्ड बैंड यूज करते हैं, ओके। सो ये है हमारा कि सेम चैनल को हमने जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उन फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को, जो भी हमारी बैंडविड्थ होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, ओके ओके। यानी देखिए यहाँ पे जो ये ग्राफ बना है ये क्या है, टाइम एंड ये फ्रीक्वेंसी, ओके। सो यानी एक टाइम में हमने सारे यूजर्स को सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी सारे यूजर्स सेम टाइम में डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। अब टाइम डिवीजन देखिए, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, ये टेक्निक आपकी यूज हुई थी, अभी जब मैं आपको आगे मोबाइल कम्युनिकेशन बताऊंगा तो वहां पर ये फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन में यही FDMA टेक्निक यूज हुई थी, ओके। नेक्स्ट है टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस ये
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस से थोड़ा सा बेटर है और उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करती है। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्सिस है टाइम एक्सिस है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी बट टाइम इज डिफरेंट फॉर ऑल द यूजर्स। यानी सपोज अभी तक कोई यूजर ए था जो एक टाइम में इस पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर रहा था, अभी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सेम बैंड में यानी सेम चैनल को हम सारे यूजर्स में टाइमली डिवाइड करते हैं। यानी सपोज हमारे पास 3 यूजर्स हैं तो हमने क्या किया कि इंटायर बैंडविड्थ को 3 यूजर्स में अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। यानी पहले सेकंड में यूजर ए डेटा ट्रांसमिट करेगा फुल चैनल, फिर बाकी उस टाइम ड्यूरेशन में यूजर बी और यूजर सी होल्ड पर रहेंगे, फिर सेकंड 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 पर दूसरे सेकंड में यूजर बी डेटा ट्रांसमिट करेगा, उस ड्यूरेशन में यूजर ए एंड यूजर सी होल्ड पर रहेंगे, एंड थर्ड सेकंड में यूजर सी डेटा ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा एंड उस ड्यूरेशन में यूजर ए एंड बी होल्ड पर रहेंगे। यानी एक प्रॉपर क्लॉक साइकिल चलेगी कि पहले यूजर ए को फर्स्ट स्लॉट मिलेगा डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, या तो वो ट्रांसमिट करे या तो रिसीव करे, एंड फिर सेकंड स्लॉट में यूजर बी, फिर थर्ड स्लॉट में यूजर सी को फुल बैंडविड्थ यूज करने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इसमें डेटा स्पीड बहुत ही फास्ट हुई। ठीक है, इसमें डेटा स्पीड इनहेंस हुई क्योंकि एवरी यूजर्स को फुल बैंडविड्थ इंटायर बैंडविड्थ मिल रही थी यूज करने के लिए। बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसमें डीले हो रहा था। डीले क्यों? जैसे यूजर ए ने डेटा ट्रांसमिट किया बट उसको कुछ देर का वेट करना पड़ा जब तक यूजर बी एंड सी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर लेते, तो उस ड्यूरेशन में यूजर ए को होल्ड पे रहना पड़ा यानी उसको वेट करना। तो ये इस टेक्निक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि यहाँ पर टाइम डीले था। ओके, तो ये थी हमारी टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्निक। यानी हमने सारे यूजर्स को अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया इंटायर बैंडविड्थ को यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। ये हमारी थोड़ा सा और इनहेंस टेक्निक आई मल्टीपल एसेस टेक्निक। इस टेक्निक में क्या हुआ कि हमने एफडीएमए एंड सीडीएमए में क्या की तरह इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने कोडिंग यूज किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपको समझने के लिए क्योंकि यहाँ पर एक सूडो कोड यूज हुआ था। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सूडो कोड यूज हुआ है एंड ये सूडो कोड क्या होता है ये आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, ये नेक्स्ट ईयर में जब आप लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि सूडो कोड एंड डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम पर एक वीडियो लेक्चर बना दूँ ताकि आपको ये कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब तक आपको सूडो कोड एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आएगा तब तक ये सूडो कोड भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर एक सूडो कोड होता है, उस सूडो कोड को हम अपने ओरिजिनल जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसको जो भी हमारा यूजर है उसके मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अब जो हर जितने भी यूजर हैं सब के लिए अलग अलग एक यूनिक सूडो कोड होगा और उस सूडो कोड को जब हम मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इनकोडेड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से जितने भी यूजर होंगे उनके लिए हम अलग अलग तरीके से एक यूनिक सूडो कोड से मल्टीप्लाई करके अलग अलग इनकोडेड सिग्नल्स को जनरेट कर लेंगे एंड इसको सिग्नल को डिकोड करने के लिए भी हमको सेम सूडो कोड चाहिए, सेम सूडो कोड चाहिए। सेम सूडो कोड नहीं होगा तो हम इस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इसमें डेटा सिक्योरिटी। ओके, सो सी यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर 2 यूजर्स अपने अपने सिग्नल्स भेजा तो यहाँ पर हमने इस यूजर के और अच्छा यहाँ पर हमने इंटायर बैंडविड्थ सभी यूजर्स को एलोकेट कर दिया। यानी यहाँ पर भी डेटा ट्रांसमिशन
हाई यानी डेटा रेट जो था हमारा हाई है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी यूजर्स को सेम बैंडविड्थ एलोकेट कर दिया और जितने भी मैसेज सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं सेम बैंडविड्थ में, वो अलग अलग कोड से इनकोडेड किए गए हैं। यानी वो जब हम सेम बैंडविड्थ में सेम चैनल पर अलग अलग सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ओके। यानी यहाँ पर सिग्नल की मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि वो सारे सिग्नल्स अलग अलग तरीके से कोड किए गए हैं, ओके। तो ये है हमारा मल्टीपल एसेस एंड रिसीवर साइड पर। हमने बताया आपको कि हमें सेम सूडो कोड चाहिए इस इंटायर चैनल से अपने मैसेज सिग्नल को डिकोड करने के लिए, हमें सेम सूडो कोड चाहिए। यानी जिस सूडो कोड से इस मैसेज को मल्टीप्लाई किया गया था वही सेम सूडो कोड चाहिए रिसीवर साइड पर इस चैनल से इस मैसेज सिग्नल को डिकोड करने के लिए, ओके। तो ये था हमारा CDMA टेक्निक। ये है तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डिटेल में, इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, ओके। तो इस पर भी मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डालूं, ओके, अपलोड करूं। सो आई होप स्टूडेंट आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया होगा कि हमारा FDMA मल्टीपल एसेस टेक्निक क्या है, TDMA मल्टीपल एसेस टेक्निक क्या है एंड CDMA मल्टीपल एसेस टेक्निक क्या है, ओके ओके। सो ये एक ग्राफ के थ्रू FDMA, TDMA एंड CDMA टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने बताया कि सेम टाइम पर हम सेम जितने भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी बैंड है उसको हम अलग अलग यूजर्स को एलोकेट कर देते हैं, तो ये क्या होता है हमारा FDMA हो जाता है। जब हम सेम इंटायर बैंडविड्थ को अलग अलग टाइम स्लॉट के लिए अलग अलग यूजर्स को एलोकेट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, TDMA होती है। जब हम इंटायर बैंडविड्थ एंड सेम टाइम पर सारे यूजर्स को एलोकेट करते हैं थ्रू अ कोड, थ्रू अ इनकोडेड मैसेज, थ्रू इनकोडेड सिग्नल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, CDMA। आई होप स्टूडेंट इस ग्राफ के थ्रू आपको ज़्यादा इजी होगा मल्टीपल एसेस टेक्निक को समझने के लिए, आपको ज़्यादा इजी होगा, ओके। एंड ये सारा थ्योरी पार्ट्स है तो ये आप लोग, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके। सो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन एंड व्हाई वी हैव टू, व्हाट इज द नीड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, ओके। सो व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन, सो मोबाइल कम्युनिकेशन रिफर टू अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच डज नॉट डिपेंड ऑन अ फिजिकल कनेक्शन। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोबाइल कम्युनिकेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दैट मीन्स यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी प्लेस एंड यू कैन मूव वाइल यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। यानी आप किसी एक जगह पर फिक्स होके इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए फोर्सफुली मीन्स आप उसके लिए बाध्य नहीं है कि आपको यहीं से इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है। आपको बात करते हुए एक वन प्लेस से मूव करके दूसरे प्लेस भी जा सकते हैं, यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, कि इसमें मोबिलिटी इज द मेजर एडवांटेज, ओके। मूव फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अदर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ओके। सो दिस इज आई होप आपको मोबाइल कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, कि हम डेटा ट्रांसमिशन के दौरान हम अपनी फिजिकल लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, तो यही हुआ हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन। अब मोबाइल कम्युनिकेशन के भी ढेर सारी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन आया, मीन्स कैसे कैसे इसमें ग्रोथ हुई, कैसे कैसे इसमें जनरेशंस में डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे पहले इसमें फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन। फाइव जनरेशन तो अभी इस पे काम चल ही रहा है अभी तो, बट US एंड जापान इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए हैं
एंड सिक्स जनरेशन तो अभी ऑफिशियली सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नई आने वाले अप टू 2030 में भी सिक्स जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन लॉन्च हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन क्या था? फर्स्ट जनरेशन नियर अबाउट 1980s टू 1919 में लॉन्च हुआ था, एंड इसमें जो डेटा रेट था वो बहुत कम था। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना होगा? 2.4 KBPS। इमेजिन कर सकते हैं 2.4 KBPS, जो कि बहुत कम है उस फर्स्ट जनरेशन में। जो हमारा डेटा रेट था मोबाइल कम्युनिकेशन का वो कितना था? 2.4 KBPS। और उसमें जो हमारी वॉइस क्वालिटी थी वो बहुत ही पुअर थी, उसमें बहुत नॉइज आती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें हम FDMA टेक्नोलॉजी यूज करते थे, ठीक है। और उसके जो हमारे मोबाइल फोन्स होते थे वो बहुत ही हैवी और बल्की होते थे। ओके, और उसमें सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था कि वो कंट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। कंट्री बेस्ड मीन्स यानी अगर हम इंडिया में मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करें तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही हम बात कर सकते हैं, हम इंडिया से अमेरिका बात नहीं कर सकते, या इंडिया से साउथ अफ्रीका बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। यानी कोई इंटरनेशनल कॉल इसमें पॉसिबल नहीं थी। ओके, देन सेकेंड जनरेशन हमारा 1991 से स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले ये फिनलैंड में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ यूजर्स को फैसिलिटी दी गई। फैसिलिटी क्या दी गई? जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमको वॉइस क्वालिटी की सर्विस दी गई थी, तो इसमें क्या दिया कि इसमें SMS और MMS की फैसिलिटी भी ऐड की गई। SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस, एंड MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जैसी फैसिलिटी भी ऐड की गई। पता नहीं स्टूडेंट आप लोग MMS वगैरह जानते भी हैं कि नहीं, बट हम लोगों ने तो देखा है कि MMS को कैसे हम लोग मोबाइल में मैसेज बना के सेंड करते थे। ओके, सो मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस फैसिलिटी भी सेकेंड जनरेशन में ऐड हो गई। और ये सबसे बड़ी इसमें खास बात आई कि ये जीएसएम बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। जीएसएम एंड जीएसएम क्या है ये अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। जीएसएम टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड की गई, और जीएसएम टेक्नोलॉजी यूज होने के कारण इसमें इंटरनेशनल कॉल भी पॉसिबल हो गई सेकेंड जनरेशन में। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो ये लिमिटेशन थी कि आप सिर्फ कंट्री बेस्ड कॉल कर सकते हैं, सेकेंड जनरेशन में वो ड्रॉबैक दूर हो गया और इसमें इंटरनेशनल कॉल भी पॉसिबल हो गई। इसमें वॉइस क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, और डेटा रेट इसमें 2.4 KBPS से इन्हेंस होगा 64 KBPS तक हो गया सेकेंड जनरेशन में। फिर सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के बीच में एक मिड जनरेशन आई। ऑफिशियली उसको कोई जनरेशन तो नहीं कह सकते, बट उसको 2.5 जनरेशन का नाम दिया गया। और उस जनरेशन में एक नई सर्विस चूंकि यूजर्स को प्रोवाइड की गई थी, इसीलिए उसे 2.5 जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन में एक नई टेक्नोलॉजी यूजर्स को यूज करने के लिए दी गई, जो थी GPRS। पता नहीं आप लोगों ने स्टूडेंट GPRS देखा है कि नहीं देखा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप लोग तो अब काफी एडवांस लेवल पे हैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट हम लोगों ने GPRS टेक्नोलॉजी यूज किया है। सो स्टूडेंट, इस टेक्नोलॉजी में जो भी हमारे मोबाइल यूजर्स थे इनको फैसिलिटी दी गई कि आप इसमें वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। यानी हम अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी हमें दी गई 2.5 जनरेशन में, जो कि एक GPRS बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी मोबाइल यूजर्स को मिलने लगी, यानी वो अपने मोबाइल में वेब ब्राउजिंग भी कर सकते थे, फोटो को सेंड एंड रिसीव भी कर सकते थे। ओके, और स्टूडेंट इसमें डेटा रेट इनहेंस हो गया अप टू 64 KBPS टू 144 KBPS तक हो गया था GPRS टेक्नोलॉजी में, एंड इसमें वॉइस क्वालिटी भी और इम्प्रूव हो गई थी। ओके,
वॉइस क्वालिटी भी और इम्प्रूव हो गई थी। देन नेक्स्ट जनरेशन हमारा आया थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ये नियर अबाउट हमारा ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था एंड इसको इम्प्लीमेंट होते होते एंड सभी यूजर्स को प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलते मिलते ये नियर अबाउट 2004-2005 का टाइम हो गया था कि सारे यूजर्स को प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलने लगी थी। ओके, तो थर्ड जनरेशन जो था वो हमारा बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन जनरेशन था। इसमें क्या था कि हमारा जो डेटा रेट था वो 144 kbps से बढ़कर 2 mbps तक हो गया था, 2 mbps जो कि बहुत फास्ट था उस टाइम के हिसाब से। और इसमें क्या एडवांटेज आ गया कि इसमें अब हम बड़ी बड़ी ईमेल्स में फाइल अटैच कर कर भेजने भी लगे और रिसीव करने लगे। ओके, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट भी हमें मिलने लगा, हम यूट्यूब वगैरह देखने लगे अपने मोबाइल में, सो हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगा। ओके, एंड इसी जनरेशन में एक और इसमें हम लोग इंटरनेट टीवी भी फैसिलिटी यूज करने लगे। ओके, एंड थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन के बीच में भी एक जनरेशन ऐसे ही है जिसमें इसको बोलते हैं 3.5 जनरेशन, जिसमें हम लोगों को HSPA एंड WCDMA फैसिलिटी भी हम लोग यूज़ करते थे। HSPA मीन्स हाई स्पीड पैकेट एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड WCDMA मीन्स वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। HSPDA मीन्स हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने लगे, मीन्स हाई स्पीड में हम किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते थे, हाई स्पीड में डेट किसी फाइल को हम डाउनलोड कर सकते थे। एंड WCDMA में क्या कर सकते थे कि WCDMA मीन्स वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें हम को क्या फैसिलिटी मिली कि सपोज हम किसी प्लेस पर है जहाँ पर फुल 3G नेटवर्क है, बट हम सपोज वहाँ से स्विच करके किसी ऐसे प्लेस पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अभी भी थर्ड जनरेशन का प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पर कोई 2G नेटवर्क की फुल कनेक्टिविटी है। सो WCD हमें दोनों 3G एंड 2G नेटवर्क के बीच जो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता था कि जैसे ही हम 3G नेटवर्क से 2G नेटवर्क में पहुँचते थे तो हमारी कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होती थी, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती थी, बट हमारा डेटा रेट जो होता था डेटा ट्रांसमिशन वो डेटा रेट रिड्यूस हो जाता था क्योंकि लिमिटेशन थी जनरेशन की। थर्ड जनरेशन उतना फास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी और 2G हमारा लो डेटा रेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। ओके, सो नेक्स्ट आया हमारा 4G फोर्थ जनरेशन। इससे तो आप सभी लोग वेरी बहुत ही फैमिलियर स्टूडेंट्स और हम लोग अभी फोर्थ जनरेशन यूज भी कर रहे हैं। ओके, सो पहले क्या था कि फोर्थ जनरेशन बहुत ही कॉस्टली था, जब तक कि एयरटेल वोडाफोन एंड ये सारे कंपनी के नेटवर्क्स थे, पहले फोर्थ जनरेशन बहुत ही कॉस्टली था, मींस नॉर्मल यूजर्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था उसको टेक्नोलॉजी को अपोर्ट करना। बट जब से जियो आया तब से तो एकदम कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो धीरू भाई अंबानी जी का सपना था कि हर इंसान के पॉकेट में मोबाइल होगा, वैसे ही जियो आया तो हर यूजर्स के पास एक 4G कनेक्टिविटी पहुंच गई। सो थैंक्स टू अंबानी सर। ओके, सो 4G नेटवर्क क्या था, इसमें डेटा स्पीड जो थी हमारी वो 100 mbps से बढ़कर 1 gbps तक हो गई, जो कि बहुत ही फास्ट हो गया, यानी हमारा जो डेटा रेट था बहुत ही फास्ट हो गया, हमारा डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो गया। तो इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलने लगी, हमें मल्टीमीडिया सर्विसेज मिलने लगी। मल्टीमीडिया सर्विसेज मीन्स हम ऑनलाइन गेम खेल सकते थे, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, हाई स्पीड में डाउनलोड एंड अपलोड करने लगे। ओके, सो 4G ही टेक्नोलॉजी में एक टर्म ऐड हुआ VoLTE। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज थे कि 4G में VoLTE क्या है, तो VoLTE का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन, मीन्स हम अपने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने ही फोन में बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ किए हुए हम
हाई क्वालिटी मीन्स HD में ऑडियो कॉलिंग भी करने लगे एंड वीडियो कॉलिंग भी करने लगे। सो VoLTE टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हाई क्वालिटी में ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी यूज करने लगे बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज किए हुए। ओके सो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन VoLTE। सो नेक्स्ट आया हमारा फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी तो इंडिया में काम चल रहा है एंड मीन सभी कंट्रीज में इस पर काम चल रहा है और ऑफिशियली तो जापान एंड अमेरिका इस पर काम भी कर रहे हैं। मीन्स वो इस टेक्नोलॉजी को अभी लिमिटेड एरिया में बट वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि ये हमारा नियर अबाउट 220 में 2020 से स्टार्ट हो गया है बट अभी ऑफिशियली अप्लीकेबल नहीं हुआ है। एंड इसमें डेटा रेट जो था हमारा बहुत ही हाई हो गया है मीन्स 1 GBPS से इनहेंस करके 60 GBPS तक इसका डेटा रेट इनहेंस कर दिया गया है। यानी 60 GBPS बहुत ही एक हाई स्पीड डेटा रेट होती है एंड इसमें वॉइस क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो गई है, वो फुल HD वॉइस क्वालिटी भी हो गई है। एंड इसमें जो हमारी जब हमारा डेटा रेट इन्हेंस हो गया है तो मीन्स हमारी जो डेटा की डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग होगी वो भी बहुत ही फास्ट हो गई है। हम इसमें ऑनलाइन गेमिंग भी खेलना हमारे लिए आजकल तो आप जान रहे हैं स्टूडेंट्स की जो हमारे गेम्स आ रहे हैं कितने हैवी गेम्स आ रहे हैं, तो उन हैवी गेम्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिफ्थ जनरेशन उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हमारा हाई ग्राफिक्स का जो हमारे ऑनलाइन गेम्स हैं उनको खेलने भी हमको फुल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। करता क्या है मीन्स करेगा क्योंकि तो अभी तो ऑफिशियली ये लॉन्च नहीं हुआ है बट आई होप जल्दी ही विद इन 1-2 ईयर्स में हम लोग फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने लगेंगे। एंड नेक्स्ट है सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजी जो कि अभी सिर्फ एक प्रपोज किया गया है कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स में हम नई नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट कर जाएंगे जिसमें जिसको इन्होंने नाम दिया सिक्स जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन। एंड उसमें डेटा रेट कितना होगा ये तो अभी कोई ऑफिशियली कुछ डिसाइड नहीं हुआ है बट ये फिफ्थ जनरेशन से तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होगा क्योंकि जब फिफ्थ जनरेशन ही हमारा इतना हाई फाई है हर मामले में, डेटा रेट के मामले में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में, तो सिक्स जनरेशन तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत ही रैपिड इसमें ग्रोथ हो रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है एंड मोबाइल इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई एंड कैसे कैसे इसमें डेटा रेट एंड बहुत सारी फैसिलिटीज हमको एडअप हुई और हमको मिलने लगी। एंड फ्यूचर में हो सकता है हमें और भी बहुत ऐसी फैसिलिटीज मिलने लगे जिसके बारे में अभी हम जानते भी ना हो और सोचे भी ना हो। ओके सो आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको GPRS एंड GSM टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि GSM टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी सेकेंड जनरेशन में एंड 2.5 जनरेशन में जब हमें मल्टीमीडिया सर्विसेज भी मोबाइल पर मिलने लगी थी मीन्स हम इंटरनेट यूज़ कर सकते थे अपने मोबाइल में, तो उसको हमने क्या कहा वो GPRS टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें मिले जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। सो ये दो GSM एंड GPRS इन दोनों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।